वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवा बजट पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम बजट भी रहा। इस बजट पर सबकी निगाहें इनकम टैक्स स्लैब पर टिकी थी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण किस सामान पर टैक्स घटाएंगी या फिर किस पर बढ़ाएंगी, इस पर भी देश की नजरें थी। आइए जानते हैं आम बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। बजट में क्या हुआ सस्ता? एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल। बजट में क्या हुआ महंगा? सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लैटिनम, एक्सरे मशीन, हीरा। बता दें, जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट भाषण शुरू किया, उन्होंने अपना नाम देश की चुनिंदा वित्त मंत्रियों की लिस्ट में शामिल करा लिया। साल 2019 से लगातार बजट पेश कर रही निर्मला सीतारमण लगातार पांच बार बजट पेश करने वाली देश की छठी वित्त मंत्री भी बन गई। सीतारमण बजट पेश करने के लिए बुधवार को बही खाते के सामान पारंपरिक लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंची थी। सीतारमण ने अधिकारियों की अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर परंपरागत अंदाज में तस्वीरें भी खिंचवाई थी। उनके हाथ में ब्रीफकेस न होकर लाल रंग के बैग में टैबलेट था।